जय श्री राम। कृत्य साधना क्या होती है, इसको सिद्ध करने से कौन सी शक्तियाँ आपके अंदर जन्म लेती हैं, उसके ऊपर ये वीडियो है। कृत्य साधना एक ऐसी साधना है जिसको सिद्ध करने के बाद व्यक्ति के अंदर एक असीम शक्ति पैदा होती है। धर्म शास्त्रों में आपने पढ़ा होगा या कहीं लिखा देखा होगा कि जब भी देवी या देवताओं अथवा राक्षसों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति आती है तो वो क्या करते थे, वो अपने योग बल से एक ऐसी शक्ति का निर्माण करते थे जिसके द्वारा वो अपने कार्यों को सिद्ध करते थे। उसी को ही कृत्य साधना कहते हैं। कृत्य साधना वास्तव में एक असीम शक्ति की ऊर्जा है जो असंभव कार्य करने की क्षमता रखती है। एक ऐसी शक्ति है जो ना तो स्त्री के रूप में है ना ही पुल्लिंग के रूप में है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो साधक जिस रूप में उत्पन्न करता है वो उसी रूप में उसके सामने प्रकट होती है। आपने पढ़ा होगा कहीं कि भस्मासुर राक्षस को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने कृत्य मोहिनी रूप धारण किया था। उसी प्रकार भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के लिए कृत्य पुरुष का सहारा लिया था। और ये एक ऐसी शक्तिशाली साधना है जिसको अगर आप कोई उद्देश्य देंगे तो वो जरूर पूर्ण करके ही आप तक वापस आएगी। बहुत ही शक्तिशाली विद्या है। इसको बड़ी ही सावधानी के साथ बहुत ही गोपनीय स्थान पर एकदम शांत वातावरण में, जहां आसपास कोई भी ना हो, किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसी जगह पर करना चाहिए। अगर आप घर में करते हैं तो घर का कमरा चारों तरफ से बंद हो, खिड़कियां दरवाजे बंद हो, अंधेरा हो, ऐसे वातावरण में इसकी साधना करनी चाहिए। ये एक ऐसी विद्या है। इस साधना को प्रतिदिन एक निश्चित स्थान पर किया जाता है। आसन लगाकर इसको साधना को करना पड़ता है। साधना करने वाले व्यक्ति को एकदम शांत चित्त मन से एकाग्र होकर आंखें बंद करके एक एहसास करना होता है कि उसके शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा एकत्र हो रही है। धीरे धीरे साधना के द्वारा उस ऊर्जा को हाथ पैरों का आकार देकर कन्या या पुरुष जो भी आपकी इच्छा हो उस रूप में परिवर्तित करना होता है। और ये फिर से कह रहे हैं, ये एक दिन का चमत्कार नहीं है, इसमें कुछ समय तो लगेगा ही, लेकिन नित्य करना पड़ता है। इस साधना को कम से कम 6 महीने तक तो आपको करना ही करना है, तभी ये जाके अपना आकार लेना शुरू करेगी। और नित्य अभ्यास करने से यह कृत्य रूपी कन्या आपके पास हमेशा रहती है। साधना करने वाला व्यक्ति चाहे जिस स्थिति में हो, यह उसके साथ हमेशा बनी रहती है। कृत्य साधना में उत्पन्न हुई कृत्य का निर्माण 3 तत्वों से होता है और ये जो है मन से बहुत तीव्र गति से चलती है। साधना करने में तभी सफलता मानी जाती है जब यह कृत्य रूपी शक्ति 24 घंटे आपके साथ रहे, तब समझिए कि यह सफल हो रखी है। इसका मंत्र आपको देंगे आखिर में, पहले इसकी विधि हम जान लेते हैं। ये जो साधना है, अमावस्या, होली, दीपावली, अब क्योंकि दिवाली आ रही है तो आप लोग कर सकते हैं, या मंगलवार के दिन भी आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। इसको प्रारंभ करने के पूर्व काले वस्त्र, काला आसन, इन सब चीज़ों को धारण करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इसकी शुरुआत हमेशा शिव पूजन के बाद ही करनी पड़ती है। ये जो साधना करने के बाद साधना करता होता है, इसके सामने 3 कृत्य देवी होती हैं, मारन, मोहन और उच्चाटन, ये प्रकट होकर आती हैं। इस साधना को सिद्ध करने के बाद व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है और वह हजारों मील दूर के कार्य क्षण भर में कर सकता है। इस साधना में हमेशा मस्तिष्क की विचार शून्यता बनाए रखते हुए, चिंतन करते हुए इसको करना बहुत आवश्यक है। इस साधना का अभ्यास करते समय मन किसी भी प्रकार के भटकाव में नहीं आना चाहिए। एकाग्रता बहुत ही जरूरी है, तो जो कि आप
एक दिन में नहीं हो सकता, एकाग्रता बनाए रखना भी एक आसान कार्य नहीं है, तो उसको भी कुछ दिन लगते ही हैं। तो अगर आपकी आप हो सके तो पहले वो प्रैक्टिस करें जिससे आपका कंसंट्रेशन, जिससे आपका एकाग्रता सिद्ध हो जाए, उसके बाद इस कृत्य साधना को करें तो ये बहुत सटीक तरीके से सिद्ध हो जाएगी। मानसिक बल बहुत ज़रूरी है, किसी भी प्रकार की साधना में मानसिक बल बहुत अपना कार्य करता है, बहुत ज़रूरी होता है। इससे ना तो थकान होती है साधना करने वाले को, बल्कि उसकी आंतरिक भावना भी बहुत मजबूत होती है, जो यकीनन उसको सिद्धि मिला देती है। तो ये कृत्य साधना थी, इसका मंत्र जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और अगर आप इसको करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। जो भी साधना आप करते हैं बिना गुरु की आज्ञा के या बिना गुरु की सहायता से, वो केवल आप अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए करते हैं। फिर भी क्योंकि ये साधना तंत्र साधना में आती है, तो इसलिए आपका इस विषय पर खुद से अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी साधना करने से पहले ध्यान, पूजा पाठ ये बहुत ज़रूरी होता है, तो कृपया करके इन सब चीज़ों का पालन करके ही आप अपने जीवन में सिद्धियों को अपना सकते हैं और सफलता का मार्ग को चुन सकते हैं, ना सिर्फ निजी तौर पर बल्कि हर तरीके से। करने से ही सब कुछ प्राप्त होता है, केवल सुन लेने से, जान लेने से, केवल अपनी जिज्ञासा को शांत कर लेने से जीवन में कभी कुछ सफलता प्राप्त नहीं होती। करोगे तो सब कुछ मिलेगा। जय श्री राम।